नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ग्लोबल ताकत के रूप में भारत अब हर तरह से दिन ब दिन और सशक्त होता जा रहा है। चाहे भारतीय सेना हो या भारतीय नेवी, अपनी उपस्थिति और बढ़ती ताकतों के चलते भारत का कद अब और ऊंचा होता जा रहा है। और अब इसी बीच भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल कर लिया है। और अब भारत के इस कदम के बाद अब चीन और पाक जैसे मुल्क भी भारत की इन बढ़ती ताकतों, भारत की इस बढ़ती शक्ति से थरथर कांपने वाले हैं, क्योंकि इस बार भारत ने म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की कर ली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलदाद नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया मोटर्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इंडिया मोटर्स ग्लोबल जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बताई गई है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलदाद नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंधन मिल गया है। हालांकि देखा जाए तो भारत का यह कदम रणनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह ईरान के चाबहार के बाद भारत के ये दूसरे विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। म्यांमार के सिटवे पोर्ट कलदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। वहीं इस परियोजना का अहम लक्ष्य कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ना भी बताया गया है। इस बंदरगाह को मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों तक सप्लाई करने में बेहद आसानी होगी। वहीं अब समुद्र में भारत की इस कामयाबी से चीन जैसे देश की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक चीन जैसे देश के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और वहीं इस लिंक के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्य में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खुलेगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी को भी काफी कम कर दिया जाएगा। और जाहिर है कि उत्तर पूर्व तक ये रास्ता मिलने से चीन जैसे देश को अब मिर्ची लगना तय है। गौरतलब है कि चीन और भारत के रिश्तों में हाल ही के समय से काफी तनाव चल रहा है, और वहीं अब भारत का ये कदम दोनों ही देशों के बीच के रिश्तों को और तनावपूर्ण बनाने का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, और जिस तरह से भारत अब समुद्र में और सशक्त होता जा रहा है, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।